हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आइसोमर्स एएस केमिस्ट्री द सेकंड पार्ट। फर्स्ट 20 वी डिड ऑलरेडी, द सेकंड पार्ट 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज के विच कंपाउंड शो बोथ सिस्ट्रांस एंड ऑप्टिकल। इन दैट केस यू नीड टू इनिशियली आइडेंटिफाई के एक सिस्ट्रांस तो कर रहा हो पहले, तो फिर ऑप्टिकल ढूंढ लेते हैं। तो आप गौर से देखें, दिस इज अनएबल टू शो सिस्ट्रांस, क्रॉस इट। सिमिलरली दिस कैन शो द सिस्ट्रांस, दिस कैन ऑल्सो शो सिस्ट्रांस, बट दिस कैन दिस वोंट शो सिस्ट्रांस। तो इन दोनों में क्योंकि सेम सेम ग्रुप्स आ रहे थे हमारे पास, सिमिलरली इधर भी, तो ये दो नहीं करेंगे, इनको छोड़ दें ये दो बच्चे। अब इनमें ढूंढना है कि विच हैज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कार्बन कार्बन। तो दिस हैज़ अ कार्बन कार्बन, दिस वन इज़ अ कार्बन कार्बन। यू कैन सी इट हैज़ एच बी आर सी एल एंड द होल ग्रुप, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, दो बी आर लगे हुए हैं, ये नहीं हो सकता, ये डबल बॉन्ड, ये भी नहीं हो सकता। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इट सेज़ के विच स्ट्रक्चर इज़ करेक्ट फॉर ट्रांस फैट। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ ट्रांस राइट, एच ऑन डायगनल साइड, वाइल दीज टू आर सिस। ये सेस हो रहे हैं दोनों, तो ये सेस हैं, इनको काट देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें ट्रांस। तो ट्रांस आपके पास ये दो बन रहे हैं। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए इसको, तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए इफ़ यू लुक एट दिस कार्बन, यही कार्बन है, इसको देखना है आपको, इधर भी देखें, इस कार्बन में सी एच पे ब्रेक लगानी थी आपको, तो आपको ये पता है कि सी एच थ्री को भी देखना, सी एच टू को भी देखना, इस पर डबल बॉन्ड है, ये भी फारे हो गया। सिमिलरली दिस इज सी डबल बॉन्ड, ओ लीव इट, दिस इज सी एच टू, अगेन यू डोंट नीड टू सी। नाउ यू हैव टू सी के आपके पास चार डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो देखते हैं, इसमें आपके पास एक ही पूरा ग्रुप हो गया, एक इसका एच हो गया। अबव एंड बिलो बोथ आर सेम, सी ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, सो दिस कैन नॉट बी, इसमें ऑप्टिकल नहीं होगा ये। जब केस वाले में चेक करते हैं तो यू कैन सी दिस एच इज़ डिफरेंट एंड दिस चेन, ये तो डिफरेंट हो गए। अबव एंड बिलो इफ यू सी, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। हाउ दे आर डिफरेंट, बिकॉज इट्स आर चेन इज़ डिफरेंट, इट इज़ आर वन आर टू एंड ही हैज़ इंडिकेटेड हेयर के आर वन एंड आर टू डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हो रहे हैं, तो ये भी डिफरेंट है, एच भी डिफरेंट, सारे डिफरेंट हो गए, तो दिस इज कार्बन कार्बन, तो आपके पास बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज़ के हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड सीजो, दोनों शो करने हैं, दोनों ढूंढने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दिस, एंड उसने थोड़ा सा आसान कर दिया क्वेश्चन को, इफ़ मिथेनोइक एसिड इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट। सो फॉर दिस केस आइसोमर्स जो एस्टर्स के, इसका आपको बताया था किस तरीके से बताने होते हैं, तो लेट मी कॉपी इट। कॉपी करने के बाद जो है हम इसको दूसरे पेज पर लगाते हैं ताकि ये बात पूरी क्लियर हो जाए। इन दिस केस वन थिंग ही सेज के मिथेनोइक एसिड जो है ना, मिथेनोइक एसिड जो है इसको आपने बाउंड करना है, तो आप कर दें मिथेनोइक एसिड को बाउंड, सो दिस इज मिथेनोइक एसिड का पार्ट ही वाला हो गया, राइट। एंड नाउ यू नीड टू यूज बाकी अल्कोहल, पांच कार्बन पूरे करने हैं, तो बाकी अल्कोहल होगी, इसमें फोर कार्बन की अल्कोहल आ गई। सिमिलरली अब जो है मिथेनोइक एसिड इज अ फिक्स्ड, उसको कुछ नहीं कर सकते, आप चेन छोटी कर दें, इस कार्बन को यहाँ से कट करें, इसको यहाँ पे लेके आ जाएं। यू कैन सी दिस इज अनदर, फिर जो आप इसकी पोजीशन चेंज कर दें, दोबारा पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद जो है अब इसकी पोजीशन जो है इस जगह पे लेके आ जाता हूँ, तो दिस इज डिफरेंट एंड नो फर्दर पोजीशन मूवमेंट। एंड एक आखिरी ये हो सकता है कि हम जो है इस कार्बन को कट करके इसके ऊपर लगा दें इधर, और इस कार्बन को कट करके हम इधर लगा दें, तो ये अलग हो गया। तो आपके पास ये चार आइसोमर्स बन रहे हैं, लेकिन स्टीरोमर्स भी ढूंढना है इसमें, कोई इसमें ऑप्टिकल है या नहीं, बिकॉज सिस्ट्रांस इज नॉट पॉसिबल हियर, देयर इज नो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए आई थिंक दिस वन इज अ कार्बन कार्बन, हाउ दिस इज एच, दिस इज सी टू एच फाइव, दिस इज सी एच थ्री एंड दिस इज समथिंग एल्स। इसका मतलब इसका एक ऑप्टिकल एक्टिव भी बनेगा, कार्बन कार्बन है, दो आइसोमर्स बन जाएंगे, बाकी किसी में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ना सी एच थ्री, ना सी एच टू, ना सी एच टू ना, जबकि यहाँ पर ये दोनों सेम ग्रुप हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे तीन ग्रुप सेम हो रहे हैं, तो टोटल आइसोमर्स विल बी आपके पास जो हो गए
वन एन पे टू एन पे थ्री एन पे फोर एंड एक इसका वी बन जाएगा, तो टोटल फाइव इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन. इसने कहा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन स्टेप वन. स्टेप वन में हमने कहा था आपसे कि इसमें जो इसने ऑप्शंस दिए हैं, एलिमिनेशन दिया, एडिशन दिया, वैसी चीज़. अगर एडिशन होता तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता. तो फार्मूला में इसका सेट करना है, फार्मूला इस सी टू एंड सी एल कितने आपके पास यहाँ पे तीन एंड एफ भी आपके पास हैं तीन. तो जो उसने बना के दिया था स्ट्रक्चर, मैं बना के दिखा रहा था पहले, तो दैट विल गिव यू सम ब्रॉड विजन. इस पर आपको मैं कलर चेंज करता हूँ. दो सी एल इसके पास हैं, एक सी एल इसके पास है एंड सिमिलरली एक एफ इसके पास है एंड 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 दो एफ इसके पास हैं. इनिशियली इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो ये थी एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस वन. इसको हम चेंज करते हैं, कॉपी पेस्ट. इसमें कह रहा है कि एक पहले पे तीनों सी एल आ रहे हैं और दूसरे पे दोनों तीनों एफ आ रहे हैं. इसको साइड पे करते हैं, इस सी एल को यहाँ पे लेके आ जाएं, एफ को यहाँ पे लेके आ जाएं. तो पहले कार्बन पे तीनों सी एल हैं, दूसरे पे तीनों एफ हैं एंड यू सी द फार्मूला. फार्मूला दोनों का जो है दैट इज सी टू एच नहीं है सॉरी, इसमें सी एल भी तीन है एंड एफ भी तीन है. तो एडिशन तो नहीं, एडिशन अगर होता तो इसका तो कोई चीज़ ऐड हो जाती, एलिमिनेशन भी नहीं है, कुछ कम भी नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन भी नहीं है, जस्ट आइसोमेरिज्म इज आंसर. क्योंकि इसका जो है स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, दोनों का फार्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. अच्छा जी, कार्बन में आपको क्या देखना है, इसकी तरफ ध्यान अगर आएगा आपका तो बोथ आर सेम, लीव इट. इसको देखें लाजमी, देखें इसको नहीं देखना आपने, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना एंड देन इसको भी नहीं देखना. तो बचे कितने कार्बन आपके पास, एक दो तीन. इन तीन में से ये तो नहीं है, इस वाले को देखते हैं. और ये है, दिस इज समथिंग एल्स एंड दिस इज समथिंग एल्स. इसकी ये साइड अलग है एंड इसकी ये साइड अलग है आपके पास. इसमें ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, यही पता चल रहा है आपको. तो दिस इज कार्बन कार्बन. नेक्स्ट कैन बी दिस वन, इसको देखते हैं आप. दिस इज एच एंड द अबव इज समथिंग एल्स. इसका राइट हैंड साइड इज दिस वन एंड लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन. तो आपके पास दोनों चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं. याद रखिएगा आपको यहाँ तक नहीं देखना, आपको पूरी स्ट्रक्चर यहाँ तक देखनी है, राइट. तो आपके पास इस तरीके से आपके पास ये भी कार्बन हो गया, तो आपके पास दो कार्बन आ गए, सी इज़ द आंसर. फिर इसने कहा कि एसिडिक भी हो और कार्बन भी हो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है. तो कार्बन भी एसिडिक भी, तो पहले एसिडिक को मार्क कर लेते हैं. एसिड इसमें इसमें है एंड देन इसमें है, और कहीं नहीं एसिड, राइट. दो एसिड है, बारल एक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर किसी को ख्याल आ रहा है कि ये एसिड है, ये एसिड नहीं है, एक्चुअली इट इज़ एस्टर. ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के बाद सी आ रहा है यहाँ पर. अगर सी आ जाए इधर, इसका मतलब एस्टर होता है. तो आपके पास एसिड दो ही आए, अब आपको कार्बन भी ढूंढना है. इसमें तो कार्बन कोई नहीं है, इसमें कार्बन जो है आपके पास दिस कार्बन इज कार्बन दिस वन. तो एसिडिक भी एंड कार्बन भी आपके पास ऑप्शन डी बन जाएगा. दिस कार्बन हैज़ एक इसके ऊपर एच लगा हुआ है, एक इसके ऊपर ओ एच लगा हुआ है, एक सी ओ टू एच और एक ये. तो ऑल फोर आर डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर. विच कंपाउंड शोज दिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. नंबर वन इज ही सेज ब्यूट टू इन, तो ब्यूट टू इन इज दिस वन. बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस पर ये एच है एंड दिस इज सी एच थ्री. सिमिलरली इस पर भी एच है एंड सी एच थ्री. तो होना क्या चाहिए था, इस कार्बन के साथ दोनों जो हैं डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए एंड बोथ आर दे डिफरेंट. सिमिलरली उस वाले कार्बन के साथ भी आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, इसलिए ये तो करेगा, डन हो गया. ब्यूट वन इन आपको बताया था कि टर्मिनल तो करता नहीं है, वन इन है तो ये दोनों एच एच हो गए, जिसकी वजह से स्ट्रांस नहीं करेगा. एंड मिथाइल प्रोपीन, तो आपके पास सेकेंड पर मिथाइल आ गया एंड प्रोपीन करना था, दिस इज डन. तो ये स्ट्रांस नहीं कर सकता, यू कैन सी इट. ये दोनों सेम है इसके ऊपर, सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों सेम हैं, ये भी कट जाएगा. तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर. इसके बाद हाउ मेनी अल्कोहल्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस वन. अगेन थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी इसके लिए, तो यहाँ पर जगह कम नज़र आ रही है, इसलिए जो है हम इसको उठा रहे, नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं इसको. तो कॉपी
एंड अल्कोहल तो ना नहीं है, दैट इज़ गुड थिंग कि उसने बता दिया, इस लिमिटिंग कर रहा है इसको। पर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बनाने हैं सी फोर के साथ, तो पहला सी फोर बनाते हैं आपके सामने, ये हो गया आपके पास सी फोर। अच्छा जी, अब जो है बाकी इस पे सारे एच लगे हुए हैं, एक जगह पे जो है आपके पास ओ एच लगा होगा, इसका नाम वन ब्यूटेनॉल हो गया। दूसरा रूल था आइसोमर बनाने के लिए क्या कर दें, पोजीशन चेंज करें फंक्शनल ग्रुप की, इसको उठा के अब मैं यहाँ पे लेके आ गया, इसका नाम टू ब्यूटेनॉल हो गया। यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर कर दूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर इसको उठा के यहाँ पर कर दूँ इसका नाम भी टू ब्यूटेनॉल हो जाएगा, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं हो सकता इसका। अब आप चेन छोटी कर दें, जब पोजीशन से काम नहीं हो रहा था फिर चेन छोटी कर देंगे इसकी। इसको हमने यहाँ से कट किया और जो है यहाँ पे ला के रख सकते हैं, लेकिन ये जो है टू ब्यूटेनॉल बन जाएगा, टर्मिनल पे नहीं लगा सकते आप, इधर लगा सकते हैं बस, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। ये अलग हो गया एंड सिमिलरली इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, इस ओएच को उठा के अपने इधर लेके आ गया। तो दिस इज़ डिफरेंट, ये सारे के सारे चार आइसोमर बन सकते हैं इसके। यू कैन सी इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है चार की आ रही है, इसमें आपके पास चार की आ रही है, इसमें तीन की आ रही है, इसमें भी तीन की आ रही है, राइट। तो इसका नाम जो है वन ब्यूटेनॉल, और ये इस तरीके से टू ब्यूटेनॉल एंड फिर टू मिथाइल, वन प्रोपेनॉल एंड टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल जो है आपके पास बन रहा है। अच्छा, इससे आपके दिल में ख्याल आएगा इसको उठा के सर इधर लगा दें तो एक ही बात हो जाएगी। अगर मैं इसको लेट से थोड़ी देर के लिए इसके काट देता हूँ यहाँ पे ओएच लगा दूँ, तो आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये वाली बन जाएगी। तो इसमें भी टू पे मिथाइल आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल एंड वन प्रोपेनॉल। अभी इस वक्त ऑलरेडी भी ये ऐसा ही है कि टू मिथाइल एंड वन प्रोपेनॉल ही है। तो ये आप देखें, अगर ये सारे एक ही जैसे ग्रुप हैं, ओएच यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, एक ही बात होगी, इसे को मूव करने का फ़ायदा नहीं है। ये तो कर लिया, वो कह रहे हैं इसमें स्टीरियोमर्स भी बताएं, किसी का ऑप्टिकल हो रहा हो, इसमें तो कोई ऑप्टिकल नहीं है, ये वाला ऑप्टिकल है कार्बन, मैं इसको मार्क करने जा रहा हूँ, दिस कार्बन इज कार्बन कार्बन, बस दिस इज ओनली, यू कैन सी दिस इज सी एच थ्री, दिस इज एच, दिस इज सी टू एच फाइव एंड दिस, ये हो गया। इसका मतलब इसका एक और भी आइसोमर आ जाएगा, इसमें कोई ऑप्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम हैं, इसमें ये तीनों ही सेम हैं। तो आपके पास जो टोटल आइसोमर्स हो गए वन एंड फिर टू एंड फिर थ्री एंड फिर फोर एंड फिर फाइव, तो सी शुड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया, इसमें कह रहा है कि विच नेचुरल अकरिंग कंपाउंड हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा जी, ऑप्टिकल आइसोमर आपको नज़र आ रहा है जिसमें कार्बन कार्बन हो, तो मैं इसमें दिखा रहा था, इसमें तो आपके पास ये कार्बन कार्बन भी हो गया, ये भी हो गया, राइट, बहुत सारे तीन हैं इसमें। इस वाले में आपके पास ये कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है, मैं दिखा देता हूँ, ये एच हो गया, सी एच सी हो गया, दिस पार्ट इज़ डिफरेंट, दिस पार्ट इज़ डिफरेंट। सिमिलरली यहाँ से देखें तो दिस पार्ट इज़ डिफरेंट, दिस पार्ट इज़ डिफरेंट एंड इधर एच लगा होगा, तो इसमें भी कार्बन बन रहे हैं, कार्बन इसमें दिखा देता हूँ आपके, और कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी कार्बन है इसका, तो तीन बन रहे हैं इसमें बारह। तो उसने सिर्फ यही कहा है ना कि ऑप्टिकल आइसोमर हो बस, हाँ, इस वाले में कोई ऑप्टिकल नहीं हो सकता, गौर से देखें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वन एंड टू आपके पास, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। किसमें कार्ल सेंटर नहीं है, डज नॉट हैव कार्ल सेंटर, तो इसमें दिखाता हूँ आपको कि दिस इज़ कार्ल, आप चेक कर लें, दिस इज़ ऑल्सो कार्ल, आप चेक कर लें, इसमें आपके पास ये कार्ल है और ये भी कार्ल, इसमें आपके पास ये वाला कार्ल कार्ल है, यू कैन सी दिस एंड दिस आर डिफरेंट, ऑल्सो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, बट दीज टू आर सेम, तो दिस इज नॉट अ कार्बन कार्बन, लग तो रहा होगा आपको ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, एंड यू विल सी कि ये और ये दोनों सेम सेम नज़र आ रहे हैं। फिर आप बोलेंगे नहीं सर ये भी एक ना, क्यों, इस कार्बन के साथ अगर देखें तो वन टू थ्री पे वाइच आ रहा है, यहाँ से वन टू थ्री एंड फोर पे वाइच आ रहा है, सो दैट इज़ डिफरेंट। इधर से देखें तो वन टू थ्री पे आ रहा है, यहाँ से देखें वन टू थ्री फोर पे आ रहा है, तो इसमें तो ये डिफरेंट हैं सारे, तो हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो उसने कहा था कि किस में ना हो तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हाउ मेनी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन अलाउड टू रिएक्ट विद इथीन इथेन सॉरी। अच्छा, दिस इज़ ये भी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा देखने एक दफ़ा, समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़
फ्री रेडिकल सब्शन वाली बात हो गई आपके पास, मुझे कॉपी करना था इसको। तो टेकिंग स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए ब्रोमीन और इथेन का जब रिएक्शन करवाएंगे तो रैंडम अटैक होता है। आपके पास नंबर वन C2H6 है ना, इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? टोटल 6 तक आ सकते हैं। तो आप जो है ब्रोमीन लगाने इसके ऊपर, तो मैं पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये वाला, बस इसको कॉपी करता जाऊँगा। फिर मैं कॉपी करके रख लिया इसको, ऐसा भी तो सकता है एक ब्रोमीन लगा हो, रैंडम होता है ना। तो आपके पास मतलब ये हम बात कर रहे हैं किसकी, C2H5Br एक हो जाएगा, C2H4Br2 दूसरा हो जाएगा, C2H3Br3 ये तीसरा हो जाएगा, C2H2Br4 ये फोर्थ हो जाएगा, फिर C2HBr5 एंड फिर लास्ट इज C2Br6। ये 6 तो बनने ही बनने थे ना, इसका मतलब 6 से तो ज़्यादा ही आंसर होगा। क्यों? नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसका। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, अब मैं दो वाला लगा रहा हूँ। दो मैंने जो है यहाँ पर कर दिया, एक प्रोमीन लगा दिया, दूसरा लगा दिया, फिर जो है मैं तीसरा लगाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कर दिया ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ब्रोमीन तीनों, देन फोर वाला। तो फोर पे चलते हैं, तो आपके पास ब्रोमीन 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 तीन यहाँ पे आ गया, फोर्थ यहाँ पर आ गया, एंड फिर फाइव और सिक्स वाला। हमने कॉपी इसको कर लेते हैं, अब इसमें एक और लगा लेते हैं, एंड फिर ये आपके पास 6 प्रोडक्ट तो ये बन गए। इशू है इसके, आपके पास यहाँ पे पोजीशन पॉसिबिलिटी है। देखें ये तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी बन रही है। कौन सी वाली? कि अगर आप जो है दोनों ब्रोमीन जो है सेपरेट लगा दें, एक ब्रोमीन इस पे लगाएं और एक इस पे लगाएं, तो असल में इसका नाम है 1,1-डायब्रोमो, 1,1-डायब्रोमो। इसका नाम है 1,2-डायब्रोमो इथेन। तो ये इसके दो बन गए। सिमिलरली इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इसमें आपने अगर लगाते हैं तो तीन थे ना, तो आपने पहले तीनों एक जगह पे लगाए, आप दो एक जगह पे लगा दें, एक एक जगह पे लगा दें, इसका नाम डिफरेंट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1,1,1-ट्राइब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 1,1,2-ट्राइब्रोमो। सिमिलरली इसमें भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है थोड़ी सी। तो दो कार्बन थे आपके पास और ब्रोमीन फोर थे, आप अब दो इस पे लगा दें और दो इस पे लगा दें, इसका नाम था 1,1,1,2, जबकि उसका नाम है 1,1,2,2। एंड सिमिलरली इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका नाम जो है इस वक्त जो बन रहा है दैट इज़ 1,1,1,2,2। अगर मैं इसको उठा के चेंज भी करने की कोशिश करूँगा तो वही चीज़ बनेगी। कॉपी एंड पेस्ट कर दिया इसको मैंने, और अब मैं यहाँ से ब्रोमीन को तोड़ के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो गिनती यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 एंड 2,2। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। आपके पास जो टोटल बन गए, एक तो आपने 6 वैसे ही ढूंढ लिए थे कि 6 जगह पे ब्रोमीन आके लग सकती थी, ये तो हो गए। बाकी पोजीशन भी हो सकते हैं, ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को जब दोबारा करना होगा अभी, तो आप याद रखें इथेन में आपको पता है कि C2H6 होता है, और ब्रोमीन से जब इसको फुल अलाउ करेंगे 6 तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर उसमें पोजीशन भी आ जाती है, इसका मतलब थोड़े से ज़्यादा होंगे। अब 6 से एक ज़्यादा तो नहीं आ सकता, तो डी इज़ द आंसर। आपने ऐसे काउंट करके देख लें, ये 9 बन चुके होंगे, 1, 6 एंड 3, 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। नाउ 32, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? तो इसमें आपके पास बेटा दो कायरल सेंटर हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है ना। आपने इसको देखना, ना इसको देखना, ना इसको देखना, ना इसको देखना, राइट? कार्बन बाकी को बचा नहीं, इसको देखें गौर से, ये एच है, ये ओ एच है, दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट। इस पर देखें तो एक आपके पास एच है, एक ये पूरी चेन लगी हुई है, एक ये वाला पार्ट इसका बन रहा है एंड एक पार्ट इसका ये वाला बन रहा है, तो चारों चीज़ डिफरेंट है इसकी। तो आपके पास दो आ गए, दो का मतलब दो। हाउ मेनी आइसोमर्स
इंक्लूडिंग सिस ट्रांस इसमें आएंगे। तो ये क्वेश्चन पहले भी था पहली वीडियो में, तो दोबारा देख लेते हैं। आपके पास इसका देखें चार हो रहे हैं ना आपके पास मिला के। इट इज़ एल्कीन सिस ट्रांस का भी हिंट दिया था आपको, मतलब डबल बॉन्ड इसमें है। हमने इसको ऐसा कर दिया, बस अब खेल लेते हैं। एक कॉपी कर लिया इसको, दो क्लोरीन लगाने हैं, मैंने दोनों क्लोरीन यहाँ पे लगा दिए, तो फिर दो एच यहाँ पर आएंगे, डन हो गया। दूसरा जो इसका इसमें बन सकता था कि एक क्लोरीन इधर लगा दें और एक इधर लगा दें, तो एक एच इधर लगा देंगे आप, एक इधर लगा देंगे, तो आपके पास दो हो गए। इसके ऊपर वाले का नाम था 1,1-डाइक्लोरो, नीचे का नाम है 1,2-डाइक्लोरो। अब जो है इसका सिस ट्रांस भी पॉसिबल है, इस वाले का सिस ट्रांस भी पॉसिबल है। कॉपी पेस्ट, यू कैन सी, अगर मैं इसको सीएल को घुमा दूँ तो ये इसका ट्रांस बन जाएगा। तो टोटल आपके पास जो बन रहे हैं दे आर 3 isomers 1 and 2 and 3। तीन का मतलब क्वेश्चन कौन सा वाला था ये, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे भी ब्रोमीन वाला किया था वैसे ही है। इसमें वो कह रहा है कि आप देखें C2H6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये एल्केन है, और एल्केन जो है उसमें आपने क्लोरीनेशन करवानी है, लेकिन वो आपको ओपन नहीं छोड़ रहा, वो कह रहा है बस 4 तक आप करवा सकते हैं। तो 4 क्लोरीन लानी है आपने, ये वाला तो इसका था आंसर। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। सो यू हैव अगेन, हमने शायद बनाया था, नहीं बनाया था, तो एल्केन बनाना है 6 कार्बन का। कॉपी कर लेते हैं इसको, एंड यू हैव अ ऑप्शन कि आप जो है जितने क्लोरीन लगाएंगे उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, दैट इज़ अ जनरल फार्मूला। तो आपने एक लगा दिया इसमें, फिर आपने पेस्ट किया, आपने इस पर 2 लगा दिए, फिर आपने इसको पेस्ट किया और फिर आपने इस पर 3 लगा दिए, एंड 4 विल बी द लास्ट वन ही सेज, एंड इन द लास्ट केस दिस विल बी 3 क्लोरीन ऑन 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑन अदर। नाउ इसका तो कोई और पॉसिबल नहीं है, ये तो ब्लॉक कर देते हैं इसको। इस पे तो आप पोजिशन आइसोमर नहीं बना सकते, इसके बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉपी इसको पेस्ट कर देते हैं। आपने दोनों क्लोरीन एक जगह पे लगाए थे एक ही कार्बन पे, अब दोनों को आप सेपरेट कर दें। तो आपने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो 1,1-डाइक्लोरो एंड 1,2-डाइक्लोरो। तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी कि आप जो है यहाँ पर तीनों क्लोरीन आपने एक जगह पे लगाए थे, अब एक काम करें कि आप जो है आप 2 क्लोरीन एक जगह पे लगा दें और एक एक जगह पे लगा दें। पहले वाले का नाम था 1,1,1 जबकि इसका नाम है 1,1,2। तो ये दोनों आइसोमर्स हो गए एक दूसरे के साथ पोजीशन आइसोमर। एंड इस वाले में आपके पास बन सकता है क्योंकि आपके पास एक पे 3 क्लोरीन एक पे एक आ रहा है, आप जो है 2-2 की इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपके पास 2 क्लोरीन अगर यहाँ पे लगे हों और 2 यहाँ पे लगे हों, देन ऑल्सो पॉसिबल हो गया जी। तो इसका नाम जो है यू नो के 1,1,1,2, उसका नाम है 1,1,2,2। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा छोटा कर दिया उसने नंबर 4 करके, वरना ज़्यादा बनाते तो वही इसके ज़्यादा इसमें बनाते। तो अब देखते हैं कितने हो गए हमारे पास मिला के, 7 हो गया आंसर। फिर वो कह रहे हैं इसमें सिस ट्रांस जो है कौन बनाएगा, टर्मिनल वाला तो नहीं बना सकता, इस पर 2 मैच लगे हुए, काट दो इसको, ये कर जाएगा आराम से। इस पर एच एंड CH3 यहाँ से सेट हो गया, इस पर एच है एंड दिस इज, तो ये भी दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये आपके पास कर जाएगा। इसको आपने मार्क कर दिया, पहला नहीं कर सकता, दूसरा भी नहीं कर सकता, आपके पास इस पर दोनों ही एच लगे हुए। तीसरे वाले पे यू नो कि आपके पास ना गौर से देखें, इस कार्बन के साथ ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी नहीं कर सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये था आपके पास जो है इसका सेकेंड पार्ट, एंड जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तो उसमें जो है हमारा ये आइसोमर का जो ओल्ड वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।